हेलो गाइस, होप यू आर स्टडिंग वेल। आई आर डूइंग वेल योर स्टडी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत रिक्वेस्ट देखा है। मेरे फ्रेंड लोग ने भी बहुत सारे बोला है कि भैया मुझे सर, मुझे इसमें प्रॉब्लम है। जैसे वाला वाली है, कोई बोलता है ना, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, वह आने वाली है, वह खाने वाला था, वह जाने वाला था। तो इस पर मैं सोचा एक वीडियो बना दूं और मैं उन लोगों को बोलूं कैसे कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर, उसे कैसे बनते हैं। जैसे वी फॉर्म, ये पहला है वी फॉर्म, वर्ब का जो वी फॉर्म होता है। उसके बाद टू, टू यूज़ होता है, प्लस टू प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। उसका मतलब होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम यूज करते हैं तो इसमें वाला, वाली, वाले ये सब आता है। जैसे स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस वी फॉर्म। वी फॉर्म आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम वी फॉर्म को भी बताएंगे, वी फॉर्म कितने होते हैं, उसका पार्ट कितने होते हैं हम बताएंगे। वी फॉर्म प्लस टू, जैसे ही आप जानते हैं कि जैसे ही टू लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड जो हम समझा चुके हैं। जैसे आगे चलते हैं, जैसे है लिखा हुआ मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, मतलब मैं घर जाने वाला हूँ, होता है ना, कहता है मुझे घर जाना है, मैं घर जाने वाला हूँ, मतलब कुछ चांसेस है। इसमें क्या होता है, 40-50% चांस होता है जो जा सकता हूँ, हो सकता है नहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है जो कंफर्म है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, जाने वाला हूँ या नहीं हूँ, अगर बीच में कुछ काम आ जाए तो ऐसा भी होता है जो नहीं जा पाता हूँ। तो यही है, यही स्ट्रक्चर, मैं घर जाने वाला हूँ। लाइक आई एम, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ एम लगता है, टू गो होम, I am to go home। आगे है, जैसे वह पढ़ने वाली है, वह पढ़ने वाली है, मतलब पढ़ सकती है, आगे थोड़ा टाइम है, हो सकता है पढ़ सकती है। जैसे she is to read, read बोलिए या study बोलिए। अगर बोलेंगे read और study में क्या फ़र्क है तो मैं उसे भी बताऊँगा। आगे है, जैसे वे लोग जाने को है, या जाने को, हाँ बोलते हैं, मैं जाने को हूँ, या जाने वाला है, जाने वाला है या वाले हैं। जैसे दे आर टू गो, दे आर टू गो, जैसे दे आर टू गो, मतलब वे लोग जाने वाले हैं। राम पढ़ने वाला था, अब ये पास्ट में हो गया, राम पढ़ने वाला था। जैसे राम वॉज टू स्टडी, स्टडी या रीड, पढ़ने वाला, स्टडी या रीड, राम वॉज टू स्टडी। कोई बोलता है वाज, वो, वेयर, ऐसा नहीं होता है, वॉज एंड वर होता है, वॉज एंड वर, राम वॉज टू स्टडी। आप आने वाले थे, किसी से पूछते भी हैं जो आप आने वाले थे, जैसे आप आने वाले थे, हो सकता है किसी से पूछते हैं ना, जैसे यू थे है ना, सॉरी थे है, यहाँ पे पास्ट में है, तो आप यहाँ आर के बदले वर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। तो ये प्लूरल फॉर्म है, जो यू वर टू कम, आप आने वाले थे। इसमें क्या होता है, जो 50% होता है जाने को, जैसे अगर कोई काम करने वाला है या वाली है, तो 50% होता चांस होता है इसमें, जो हम जाएंगे नहीं भी जा सकते। इसमें ऐसा होता है जो कोई काम अगर बीच में आ जाए, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसमें होता है जो नहीं भी जाए। तो ये फॉर्म है वी फॉर्म, पहले वी फॉर्म सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वी फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम जानते हैं टू से पहले ये इन्फिनिटिव बन जाता है, टू जब ही, जैसे ही टू लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू से। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.